ये आकाशवाणी दिल्ली है। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित विशेष रूपक एक अनमोल हिमरत्न। आलेख डॉ अनिल कुमार जोशी, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। प्री लक्ष्मी राजा, अब तक तुम्हारी छमाही परीक्षाएं समाप्त हो गई होंगी। अब तुम्हें कुछ नई पुस्तकें पढ़ने का समय मिलेगा। लुईसा मे एलकॉट की किताबें बहुत अच्छी हैं। क्या तुमने उसकी लिटिल मैन पढ़ी है? मुझे ये जानकर खुशी हुई कि तुम इन दिनों टॉम ब्राउन्स स्कूल डेज पढ़ रहे हो। वैसे जूल्स वर्ने की पुस्तकें भी काफी मनोरंजक हैं। 24 जून 1944। इन पंक्तियों को सुनकर किसी को भी लगेगा कि ये एक कोमल हृदय पिता के उद्गार हैं, जो अपने बच्चों की दिन रात चिंता करता है। और शायद इससे ये अंदाजा भी नहीं लगेगा कि अपने बच्चों को ऐसा मर्म स्पर्शी पत्र लिखने वाले ये सज्जन साइमन कमीशन के भारत आने पर पुलिस की लाठियों से लहूलुहान कर दिए गए थे, जिसके चलते शेष जीवन वो सही तरीके से चल भी नहीं पाते थे। Hold your step! What a charge! हम नहीं रुकेंगे। साइमन शुड गो बैक इमीडिएटली। निहत्थे और निर्दोष लोगों पर लाठी बरसाना बहुत बर्बर काम है। अरे ये क्या अनर्थ हो गया अनर्थ! हमारे महान नेता को स्कॉट ने लाठियों से मार मार कर घायल कर दिया। अपने व्यक्तित्व में बहुत सारी खूबियों को समेटे ये शख्स कोई और नहीं वरन हमारे देश के स्वाधीनता संग्राम के एक महान नायक, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री, भारत रत्न से सम्मानित और देश के पांचवें गृह मंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे। गोविंद बल्लभ पंत, जिनका जन्म 10 सितंबर 1887 को अल्मोड़ा जनपद के एक गांव में मनोरथ पंत और गोविंदी बाई के घर हुआ। 19वीं सदी के आखिरी दशक में कुमाऊं अंचल का जनपद अल्मोड़ा कितना दुर्गम और सुविधाहीन रहा होगा, लेकिन उस कठिन स्थान से निकलकर बालक गोविंद बल्लभ ने अपनी लगन, प्रतिभा और मेहनत से पूरी दुनिया में अपना परचम लहराया। भारत भूमि चलते हैं पंत जी के गांव हमारे सहयोगी प्रतुल जोशी के साथ। अल्मोड़ा से 25 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा जिले में कोसी नदी के पास स्थित है खूट गांव, जो कि आज पूरी दुनिया में जाना जाता है क्योंकि यहां
एक महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और भारत रत्न पंडित गोविंद वल्लभ पंत का जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ। आज खूंट गांव में पंत जी की स्मृति में एक भवन है जिसमें उनकी एक खूबसूरत मूर्ति, जिसे भारत के महान कलाकार राम सुतार ने बनाया। इसके अलावा यहाँ पर एक संग्रहालय का निर्माण हो रहा है। इस संग्रहालय में पंत जी के जीवन से संबंधित चीजों को रखा जाएगा और साथ ही कुछ वर्ष पहले एक ITI का निर्माण भी खूंट में हुआ था। प्रतिवर्ष 10 सितंबर को पंत जी के जन्मदिवस के अवसर पर यहाँ एक बड़ा आयोजन होता है और उस आयोजन में यहाँ के जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन के लोग और साथ ही आसपास के गांव के लोग एकत्रित होते हैं, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं। आज यही जानने के लिए मैं खूंट गांव में हूँ और यहाँ के एक भूतपूर्व ग्राम प्रधान, जो कि इस कार्यक्रम के कई वर्षों से संयोजक भी रहे हैं, चंदन सिंह भोज साहब, वो हमारे साथ हैं। भोज साहब, ये बताएं कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत जी का जो आप लोग जन्म दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष 10 सितंबर को, तो उसमें क्या आप लोग कार्यक्रम आयोजित करते हैं? इस कार्यक्रम में हम क्षेत्र के जितने भी विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज, प्राइमरी पाठशाला और अन्य जो सांस्कृतिक कलाकार अल्मोड़े में रहते हैं उनको भी हम आमंत्रित करते हैं और पंजी के जीवन से संबंधित एक निबंध प्रतियोगिता भी इसमें आयोजित की जाती है और प्रथम, द्वितीय और तृतीय वालों को फिर यहाँ पर पुरस्कार भी वितरण किया जाता है। विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चे अपने अनेक प्रकार के रंगारंग कार्यक्रम भी प्रस्तुत करते हैं। पूरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हो, जिला पंचायत सदस्य हो, यहाँ का विधायक हो, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, यहाँ पर हर वर्ष कोई न कोई यहाँ आते रहते हैं और उनके सम्मुख हमको भी अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखने का एक सुनहरा अवसर प्राप्त होता है। इसी कार्यक्रम के जरिए यहाँ पर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, गोविंद वल्लभ पंत म्यूजियम जो बन रहा है और खूंट महादुरेश्वर मोटर मार्ग और अन्य कई कार्यक्रम यहाँ पर हो रहे हैं या कुछ हो चुके हैं। बहुत साहब, इस खूंट गांव में कुछ ऐसे बुजुर्ग भी रहे होंगे जो पंत जी के जीवन काल से, पंत जी से जुड़े रहे होंगे, उनकी यादें यहाँ चर्चा का विषय होती होंगी कि किस तरह पंत जी अपना जीवन बिताते थे, उनके जीवन की क्या खासियतें थीं जब वो भारत के गृह मंत्री थे या संयुक्त प्रांत के मुख्यमंत्री थे या उससे पहले, आज़ादी से पहले संयुक्त प्रांत के वो प्रीमियर शैप कहलाते थे। तो क्या कुछ ऐसे लोगों से कभी आप मिले गांव में, आपको उनकी जानकारी है? मुझे मेरे पिताजी बताया करते थे, मेरे पिताजी हल्द्वानी में रहते थे, दूध का कारोबार करते थे, भैंसे पालते थे, तो गांव की निकटता के कारण मेरे पिताजी मुझे बताते थे कि मैं गोविंद वल्लभ पंत जी को दूध दिया करता था। मेरे पिताजी का नाम पान सिंह भोज था और वो कहा करते थे गोविंद वल्लभ पंत जी की, पनवा तू भी यहाँ बस जा हल्द्वानी में, जैसे आप नगर बसा है, तो हमारे बुजुर्ग से भी कहा था उन्होंने। उस समय पंत जी हल्द्वानी में रहते थे? उस समय हल्द्वानी में रहते होंगे, मेरा जन्म तो 1956 में हुआ है, उससे पहले की कहानी ये रही होगी। पिताजी कहा करते थे कि उन्होंने कहा हमारे पहाड़ के जितने भी यहाँ लोग जाते थे हल्द्वानी में परिवार पालने के लिए, कुछ अपना धंधा करने के लिए, तो उनसे कहा करते थे कि आप लोग भी यहाँ बसो, लेकिन यहाँ के लोग वहाँ बस नहीं पाए, क्यों यहाँ मूरे मच्छर खाते हैं, ये खाते हैं, वो खाते हैं करके डरते थे। जिसका आज ये हल्द्वानी, तिवारी जी कहा करते हैं गुलदस्ता, छोटा गुलदस्ता है हिंदुस्तान का करके आज वो बना है। गोविंद वल्लभ पंत जी आज भी अगर आवाम में बेहद लोकप्रिय हैं, तो इसका कारण है उनका वो पारदर्शी व्यक्तित्व जिसने एक तरफ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ अनवरत संघर्ष किया तो दूसरी तरफ स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात नए भारत के निर्माण में अपना कुशल नेतृत्व दिया। उत्तराखंड औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय पौड़ी के कुलपति एवं गोविंद वल्लभ पंत जी के विचारों और आदर्शों का जनता के बीच लगातार प्रसार करने वाले प्रोफेसर अजीत कर्नाटक पंत जी के व्यक्तित्व के बारे में कहते हैं।
स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब भारत आजाद हुआ और जब गोविंद बल्लभ पंत जी उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने, उससे पहले वो उत्तर प्रदेश के प्रधानमंत्री प्रीमियर रह चुके थे। चार साल पहले से ही धीमे 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 सत्ता को चलाने का जो एक्सपीरियंस है वो इन सब लोगों को हो रहा था। और दूसरी बात यह है कि ये जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के समय के नेता हैं, चाहे आप राजेंद्र प्रसाद जी को ले लीजिए, चाहे अब्दुल कलाम आजाद को ले लीजिए, चाहे पंडित नेहरू को ले लीजिए, चाहे नरेंद्र जी को ले लीजिए, आप उस समय के जितने भी लोगों को लेंगे तो आप देखेंगे कि ये सब लोग या बहुत बुद्धिजीवी थे और या तो ये अध्यापक रहे थे और या ये वकील थे। तो ये पढ़े लिखे लोगों की जमात, बहुत पढ़े लिखे लोग, बहुत ही विद्वान लोग थे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। गोविंद बल्लभ पंत जी का जहां तक बात है, आपको पहले से पता होगा कि बड़े मेधावी छात्र थे और रेमजे से हाई स्कूल करने के बाद फिर वो इलाहाबाद गए थे और फिर उसके बाद उन्होंने लॉ किया और लॉ में उनकी प्रथम श्रेणी आई थी और उस लॉ करने के बाद वो काशीपुर में और उससे पहले नैनीताल में उन्होंने अपनी वकालत करने की कोशिश की। और चूंकि उस समय पूरे देश में आंदोलन चल रहा था और खासकर बाल गंगाधर तिलक का नाम उस समय बहुत जोरों से लिया जाता था, गांधी जी उस समय हिंदुस्तान में आने वाले थे, गांधी जी से ही ये प्रभावित हुए। और जब पहली बार गांधी जी यहाँ आए थे कुमाऊं की यात्रा पर, तो गोविंद बल्लभ पंत जी उनके साथ थे और नेहरू जी का भी उनको बड़ा आशीर्वाद प्राप्त था, बहुत प्रेम था, और गांधी जी से भी बड़ा प्रभावित थे वो। और सबसे बड़ी बात उनमें ये थी, उन्होंने कभी किसी पद की आकांक्षा नहीं की। यही बात उनको राजनीतिक क्षितिज में बहुत ऊपर तक ले गई। और आपको मैं एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ, जब वो यहाँ के मुख्यमंत्री थे और यहाँ पर एक उन्होंने जमींदारी प्रथा उन्मूलन का बड़ा जबरदस्त काम उठाया था, तो उस समय ही ये हुआ था कि इनको वित्त मंत्री के पद पर इनको बुलाया गया था केंद्र में, लेकिन उन्होंने ये बात बता के कि मेरा यहाँ कुछ काम चल रहा है स्टेट में और इसे पूरा करना है, तो वित्त मंत्री का पद उन्होंने ठुकरा दिया था। पंत जी की स्मृति में 10 सितंबर को जो बड़े पैमाने पर आयोजन होते हैं, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा बताएं। जन्म शताब्दी वर्ष में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में हुआ था, तभी उससे कुछ दिन पूर्व हम लोगों ने पंतनगर में गोविंद बल्लभ पंत जी की एक बहुत बड़ी विशालकाय मूर्ति स्थापित कराई थी। जैल सिंह साहब ने उसका उद्घाटन किया था और उसके बाद फिर निरंतर उसे एक वर्ष तक मैंने लगातार पूरे कुमाऊं में और विशेष रूप से पंतनगर में कई व्याख्यान आयोजित किए थे, जिसमें बड़े बड़े लोग साइंस के और एनवायरमेंट के, चाहे चंडी प्रसाद भट्ट जी हों, चाहे सुंदरलाल बहुगुणा हों, चाहे अच्छे कई खिलाड़ी हों, तो उन सबको मैंने बुलाया था और उनके व्याख्यान उसमें कराए थे और कई कार्यक्रम हमने साल में ऑर्गेनाइज किए। उसके बाद ये लगातार हम लोग 10 तारीख को मनाते रहे। पंतनगर में तो मैं ही इस कार्य को कराता था, बहुत अच्छा कार्यक्रम होता है। पंजी के बारे में लोग जानते हैं, समझते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनके लिए ये बहुत बड़े आदर्श है। गोविंद बल्लभ पंत जी का जीवन एक सतत विकासमान व्यक्ति का जीवन था, एक ऐसे युग पुरुष का जीवन जिसने जिंदगी में कभी हार नहीं मानी, असफलताओं से सीख ली और फिर आगे बढ़े। देश की स्वतंत्रता के अमृत वर्ष में आजादी के आंदोलन के इस अग्रणी पुरुष के जीवन की मुख्य घटनाओं को आइए जानते हैं। आप अल्मोड़ा के रेमजे स्कूल से शिक्षा प्राप्त कर उच्च शिक्षा हेतु इलाहाबाद चले गए, जो उस समय शिक्षा और जन चेतना का बड़ा केंद्र था। कानून की पढ़ाई पूरी कर 1910 में अल्मोड़ा में वकालत प्रारंभ की। 1912 में हल्द्वानी के समीप स्थित काशीपुर चले गए, जहां वकालत खूब चलने के लिए साथ साथ देश सेवा में भी व्यस्त रहे। वहां प्रेम सभा और उदय राज इंटर कॉलेज की स्थापना की। 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा। कुमाऊं परिषद का प्रमुख उद्देश्य कुमाऊं में जागृति का प्रसार करना था।
कुली बेगार, वन और राजस्व से जुड़े कई प्रश्नों पर कुमाऊं परिषद में विचार विमर्श होता रहा। 1921 में वनाधिकारों को लेकर पर्वतीय क्षेत्रों में प्रतिक्रिया होने लगी। पंत जी ने इस समस्या का गहन अध्ययन किया। 1922 में उनका अध्ययन फॉरेस्ट प्रॉब्लम ऑफ कुमाऊं नाम से प्रकाशित हुआ। पंत जी 1916 की लखनऊ कांग्रेस में महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू से भेंट कर चुके थे। उनकी गिनती मॉडरेट यानी मध्य मार्गी नेताओं में होने लगी थी, जबकि कुमाऊं परिषद तथा कुली बेगार जैसे स्थानीय आंदोलनों की कमान बद्री दत्त पांडे जैसे प्रखर नेताओं के हाथ में थी। पंत जी स्थानीय राजनीति में सक्रिय भी रहना चाहते थे, लेकिन मर्यादित रूप में। उनकी ये दुविधा शक्ति समाचार पत्र में प्रकाशित राष्ट्रवादी कवि गोरधा की कविता से उजागर होती है। काशीपुर के नामी प्लीडर, जिसको नहीं लाट का डर, श्री गोविंद पंत जी आज सजे हुए हैं अद्भुत साज। है परिषद इनको ही प्यारा, होवे नहीं रात दिन न्यारा, मॉडरेट अपने को कहते, बिना नाव मझधार में बहते। में संयुक्त प्रांत की काउंसिल के लिए हुए पहले चुनाव में पंत जी नैनीताल से प्रत्याशी थे, परंतु अपनी साख के बावजूद वो ढिकुली रामनगर के धनी जमींदार से 39 मतों से हार गए। यूं तो इस पराजय के कई कारण थे, परंतु मुख्य था अधिकांश स्थानीय कांग्रेसी नेताओं का चितरंजन दास के आह्वान पर इस चुनाव का बहिष्कार करना, जबकि पंत जी काउंसिल में जाने के पक्षधर थे। चुनाव में हारने के बाद भी पंत जी ने हार नहीं मानी। अपनी सफल वकालत को छोड़ वो पूर्णतः राजनीतिक और सामाजिक सरोकारों में लग गए। इस बीच वो नैनीताल जिला परिषद के अध्यक्ष भी रहे। लिहाजा जब 1923 में काउंसिल के लिए दोबारा चुनाव हुए तो वे सरकार परस्त बद्री दत्त जोशी को हराकर नैनीताल से विधायक चुने गए और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। ।1928 का वर्ष पंत जी के जीवन में एक निर्णायक मोड़ लेकर आया। साइमन कमीशन के विरोध में लखनऊ में एक जुलूस का नेतृत्व करते हुए वो पुलिस की लाठियों से बुरी तरह लहूलुहान हो गए। पंत जी अपने लंबे चौड़े शरीर के कारण आसानी से पुलिस के डंडों का निशाना बने, जिसके फलस्वरूप वो आजीवन शारीरिक विकृतियों से प्रभावित रहे। इस घटना ने पंत जी के राजनैतिक जीवन में उत्प्रेरक का कार्य किया। कुछ ही महीनों बाद जब महात्मा गांधी अपनी पहली कुमाऊं यात्रा पर आए तो इस यात्रा की पूरी व्यवस्था पंत जी ने ही की थी। गांधी की इस यात्रा ने पूरे कुमाऊं को राष्ट्रीय आंदोलन से जोड़ दिया। सविनय अवज्ञा आंदोलन ने पूरे क्षेत्र में आजादी की अलग जगह दी। स्थानीय मुद्दों जैसे जंगलात का प्रश्न, नायक जाति में सुधार, पहाड़ों में शिक्षा का विकास आदि में पंत जी के प्रयास सराहनीय रहे। स्वाभाविक ही था कि 1937 में जब संयुक्त प्रांत में कांग्रेस की सरकार बनी तो पंत जी को ही प्रीमियर बनाया गया। यहां उन्होंने अपनी प्रशासनिक क्षमता का परिचय दिया। औपनिवेशिक दास्ता के अधीन एक राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार चलाना आसान नहीं था। स्वाधीनता के उपरांत
उन्हें ही दोबारा संयुक्त प्रांत का मुख्यमंत्री बनाया गया। संयोग से राज्यपाल के पद पर पहले सरोजनी नायडू और फिर प्रखर विद्वान और राजनेता कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी रहे, जो पंत जी के व्यक्तित्व और कार्य कुशलता से परिचित थे। अपने मुख्य मंत्रित्व काल में पंत जी ने कितने ही ऐतिहासिक निर्णय लिए। जमींदारी उन्मूलन, तराई में पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को स्थापित करना, प्रदेश में सहकारिता आंदोलन का सफल संचालन, प्रथम पंचवर्षीय योजना को लागू करना, भारी उद्योग जैसे सीमेंट फैक्ट्री और लघु उद्योग जैसे रेशम, फल संरक्षण, चमड़ा उद्योग को बराबरी से विकसित करना। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के बार बार जोर देने पर पंत जी ने 10 दिसंबर 1954 को केंद्रीय गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली। ये स्वाधीन भारत के लिए एक चुनौती भरा समय था। देश में संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद जैसी भावनाएं पनप रही थी। पंत जी के मार्गदर्शन में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन इस कुशलता से किया गया कि इतने बरस बाद भी कतिपय अपवादों को छोड़कर वो कायम है। उनकी सेवाओं के लिए उन्हें 1957 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। पंत जी की प्रशासनिक क्षमताओं के बारे में उनके समकालीन बहुत से राजनीतिज्ञों एवं विद्वानों ने अपने विचार व्यक्त किए। आप हैं देश के पूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। बहुत से ICS ऑफिसर्स ने चोटी के मुझसे कहा कि एक व्यक्ति है जिसे हम अपना गुरु मान लेंगे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत। वो पहली बात ये थी जो आमतौर से मंत्री नहीं करते, वो अपने विषय का स्वयं अध्ययन भी करते थे। हर फाइल को मुझे बताया गया कि पूरी उनकी पढ़ी रहती थी और किसी ICS ऑफिसर की या किसी ऑफिसर की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जाए और इधर उधर की बात कर ले। अगर उसने कुछ किया तो स्वयं बता देते थे कि देखो इस फाइल में पहले ये लिखा हुआ है। शुरू शुरू में लोगों का प्रयास रहता है। तो ये वो थे जिनको जो उस समय के सबसे अच्छे सूझबूझ वाले सिविल सर्वेंट जिन्हें अंग्रेजों के साथ भी काम किया था, उन्होंने एक नहीं कईयों ने मुझसे ये कहा कि वो इसे मानते थे। फिर एक चीज उनकी खास थी कि वो इसको चलाने के लिए व्यक्तियों पर भी बहुत ध्यान देते थे। जैसे उनको मालूम रहता था कि यही नहीं कि कौन कौन कलेक्टर हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं, SP हैं, बल्कि ये कौन हैं, इनका पुराना रिकॉर्ड क्या है, कहाँ से आते हैं। बल्कि एक उनके लिए हंसी में कहा जाता था कि वो जन्म पत्री मिलाते थे। वो बराबर देखते थे कि वहाँ का उस समय जो बहुत महत्व का था कि जो कलेक्टर है और SP है उनके आपस में दोनों मिलकर कैसे चलेंगे। और उसके बाद हर एक को मालूम था कि पंत जी उससे व्यक्तिगत जानते हैं और इसलिए हर आदमी इस कोशिश में रहता था कि मैं अच्छे से अच्छा करूं। और अगर कहीं कुछ गलती होती थी तो अपने ढंग से ऐसी तंबीह करते थे कि वो समझ जाता था कि अब ये नहीं होना है। वो एक उनका अपना ढंग था, कह देते थे बड़ी से बड़ी बात बजाय कुछ उसको ज्यादा जोर से कहने के, लेकिन वो बहुत बामानी होती थी, अर्थ रखती थी। और उसी तरह से वो बराबर, क्योंकि ये चीज कम होती है, वो व्यक्ति कौन वहां के हालात में, किस क्षेत्र के हालात में वो कैसा कर सकेगा उसका ज्ञान। और उसके लिए कभी कभी लोगों ने हमसे ये कहा कि शायद उनको एक फायदा था कि उनके पास एक
ट्रेमेंडस मेमोरी थी, एक ऐसी याददाश्त थी जो भूलते नहीं थी किसी चीज को। तो मेरा तो ये कहना था कि वो तो ईश्वर की कृपा थी, लेकिन एक बात खास मेरे मन में जो रहती थी वो ये है कि वो जो काम है उसमें वो हृदय से लगन से उसकी तरफ है। जब किसी बात में मन लगा हो तो वो फिर बात दूसरी हो जाती है, उसमें सब चीज आ जाती है, याद रहती है, उसमें थकान भी नहीं मालूम होती। तो इसलिए वो बराबर उस प्रकार से काम किया। और उन्होंने जो एक सबसे बड़ी खूबी होना चाहिए कि जो साथ में काम करते हों उनसे काम लेना, उसकी बड़ी भारी क्षमता थी। खुद तो आदमी बहुत काम कर लेते हैं, लेकिन खुद के साथ साथ जो लोग काम करने वाले हैं उनको उनसे काम लेने की क्षमता कम होती है। एडमिनिस्ट्रेशन में ये सबसे बड़ी चीज होती है, वो उनमें बहुत जबरदस्त थी। और जैसा मैंने कहा कि वो नाराजगी से भी और साथ साथ प्रेम से बहुत सा काम करा लेते थे। उनके साथ जिन लोगों ने काम किया, मुझे जितने भी मिले, वो उसको भूलते नहीं है, बल्कि उनको तो ये तक कहानियां सुनाते कि वो उस वक्त हुआ था ये तो ये पंत जी ने किया था। क्योंकि मुझे अवसर मिला कि जिन लोगों ने उनके साथ काम किया था उन्होंने मेरे साथ, जब मैं मुख्यमंत्री और मंत्री बना तो मेरे साथ भी काम किया, तो वो अक्सर मुझे बताया करते थे कि पंत जी ने इस मामले में ये किया था, इसमें ये किया था। तो वो मेरे लिए भी, मैं तो एक प्रकार समझता हूँ कि मार्गदर्शक हो जाता था। और गहराई के साथ दिलचस्पी की बात जैसा मैंने कही, कोई प्रश्न उनके लिए छोटा नहीं होता था, कोई जिला छोटा नहीं था, कोई मसला छोटा नहीं था। गोविंद वल्लभ पंत एक नेता ही नहीं अपितु एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थे। जात पात, क्षेत्रवाद, राजनीतिक तिगड़मबाजी से कोसों दूर देश की सेवा को समर्पित इस बहुमुखी प्रतिभा ने 7 मार्च 1961 को इस दुनिया को अलविदा कहा। एक अनमोल हिमरत्न। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत पंडित गोविंद वल्लभ पंत के व्यक्तित्व और कृतित्व के कुछ प्रमुख पहलुओं पर केंद्रित ये विशेष रूपक अभी आपने सुना। आलेख डॉ. अनिल कुमार जोशी, वाचन स्वर मनोज कुमार जोशी और उर्मिला जोशी, अतिरिक्त स्वर ज्योति जाटव और प्रतुल जोशी, प्रस्तुति सहयोग दीपिका पंत, संजय जोशी, प्रस्तुतकर्ता प्रतुल जोशी। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश के लिए आकाशवाणी अल्मोड़ा द्वारा निर्मित यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।